कैसा रहा दिन आपका? ठीक था। मीटिंग्स ओके? ओके। चाय वगैरह मिली? नहीं, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, तुम कब आओ तो बना के पिला दो। मम्मा कहाँ पे? मालूम नहीं, कहीं गई हुई है। पापा आपसे एक बात करनी थी। आप मेरी एक फ्रेंड को तो जानते हो ना, जीनत। क्या नाम बता? जीनत, जीनत। क्या जीनत मलिक। जीनत मलिक, अच्छा जी। भाई तुम्हारी कई फ्रेंड्स आती हैं, मुझे नाम नहीं याद। वो मेरी अजीज दोस्त है। अजीज, वो जो बर्थडे पे केक लेके आई थी, रिमेम्बर? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जी। जीनत, जीनत का आगे क्या नाम बताया? मलिक, मलिक, मलिक। वो पैदा बेशक कश्मीरी है, बट पैदा जम्मू में हुई है। पैदा जम्मू में हुई? जम्मू में हुई है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू। ओके, ठीक है। एंड उसके डैड भी आई गेस आपके साथ ही है, सेक्रेटरीट में। सेक्रेटरीट में? हाँ। क्या करते हैं वो? मेरे ख्याल से अंडर सेक्रेटरी है इन CAPT डिपार्टमेंट। सो पापा, मेरा भी, आई एम वेल सेटल्ड नाउ, मेरे को भी काफी टाइम हो गया जॉब करते हुए। सो आई एम प्लानिंग कि आई शुड टुक दैट नेक्स्ट स्टेप। मेरे को क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मैरिज का सोच रहा था पापा। मैरिज का सोच रहे थे? आजकल अच्छा है यार कि माँ बाप को तो पूछे बगैर या माँ बाप की राय या उनकी एडवाइस के बगैर ही आजकल बच्चे तय कर लेते हैं कि मैं मैरिज कर लेता हूँ। तभी तो मैं सबसे पहले आपके पास। ऐसा लगता है जैसे बाजार में गए और चाराने की सींग, चाराने का धनिया, चाराने का ये दे दो, चलो लेके आ गए घर पे। अरे पापा, तभी तो आपके पास आया तो बात करने दी। तो हम सबसे पहले मैंने आपसे, हम करवाएंगे ना तेरी शादी, आप ही करवाओगे। आपकी अच्छी बात है, वही तो करना है। तुम्हारी शादी के लिए हम, हमारे जो पंडित मित्र हैं उनकी बहुत सुशील लड़की देखी है हमने, बहुत ही सुशील लड़की है, उसके साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे और धूमधाम से करवाएंगे। बट पापा, मैं उससे नहीं कर सकता शादी। क्यों, वो लड़की नहीं है? लड़की है बट फीलिंग्स, फीलिंग्स मैच में होंगे। फीलिंग्स तो ऐसा है बेटा, केमिस्ट्री तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। एक बार एक एसिड किसी चीज के ऊपर डालो तो उसके साथ केमिस्ट्री हो जाती है। पापा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। प्यार करना एक अलग चीज होती है, शादी करना एक अलग होता है। ऐसे तो मैं तो सारी दुनिया से प्यार करता हूँ, शादी तेरी माँ से की मैंने। I'm a one woman man, पापा। तू वन वूमेन मैन, मैं भी तो वन वूमेन मैन ही हूँ। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी माँ से ही निभाई है, चाहे वो कैसी भी है। तुम्हें तो मालूम है उसको भगवान ने सबसे अच्छी चीज क्या दी है, मालूम है क्या दिया उसको? अरे बाबा, एक तेरे की, तुम मूर्खों के भी मूर्ख हो। तेरी माँ को भगवान ने सबसे अच्छी चीज क्या दी है? जबान। जबान खाली वही चलती है और कुछ नहीं चलता। उसकी जबान ही काम आती है दिन भर, बस दिन रात उसकी जबान चलती रहती है। आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, कल वो नहीं किया, कल वो नहीं किया। जो किया है वो तो बेकार है, जो नहीं किया उसके बारे में चर्चा होती है। पापा, जिन्नत से ही शादी करना चाहता हूँ। तुम जीनत से शादी करना चाहते हो? अब हमें तुम्हें मालूम है कि उनका धर्म क्या है और हमारा धर्म क्या है? धर्म मैटर करता है क्या इस चीज का? धर्म के बगैर तुम क्या हो? अगर मैं कंपैटिबल ही नहीं हूँ जिससे आप कह रहे हो तो? नहीं, मैं एक बार, एक मिनट से जाओ, पहले तो एक धर्म दूसरे धर्म के साथ भी कंपैटिबल नहीं है, बात ही छोड़ दो ना। बट एक नया एक्सपेरिमेंट होगा ना पापा। क्या नया एक्सपेरिमेंट करना है हमारे देश में? चुपचाप उधर मुंह मोड़ो और इधर मुंह मोड़ो, आ जाओ, बस खत्म। वो नहीं हो पाएगा आज के में। क्या नहीं हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना तुमको? उसी से शादी करूंगा। उसी से शादी करोगे? अच्छा, एक काम करो, और कहीं नहीं, एक काम करो जी, उसको बोलो हिंदू धर्म अपना ले, कन्वर्ट हो जाए पापा। और उसके माँ बाप को भी बोलो कि रजामंदी से उसको हिंदू बना के हम हिंदू रीति से शादी करेंगे और मंदिर में करेंगे। दोनों रीति से शादी करेंगे पापा? कैसे रोज? दोनों रीति से कुछ नहीं होता कभी भी, दो बार कर लेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ ना होगा, ये रीतियां ही अलग हैं। हमारी वैदिक रीति बिल्कुल अलग है और उनका रीति का मुझे मालूम नहीं, समझ गए ना?
ये दोनों नहीं होगा, और तुम और वो हमारे घर में हिंदू बन के आएगी तो ठीक है। कन्वर्ट क्यों करना पापा, जो जैसा पला बड़ा उसे वैसे ही रहना। अच्छा एक काम करो, हम जज क्यों, एक काम करो तुम उसके बाप के पास जाओ, बोलो हम जैसे हैं वैसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम हिंदू रीति से शादी करेंगे। तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे पापा। कर लो जाओ, आप इस घर में अलाउड नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप चलोगे? बेटा मैं नहीं आऊंगा, मेरे अपने सिद्धांत हैं, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुम अपने जीने अपना जीना जिस तरह से जीना चाहते हो नहीं चला, मैं तो सवाल ही नहीं। हम लड़के वाले हैं, लड़की वालों को बोलो अपना पैगाम लेके यहाँ पे आए जाओ। अगर वो मानते हैं लेके आओ, अगर वो यहाँ लेके आओ और उनको बोलो कि हमारे रीति से शादी होगी, नहीं तो सिर्फ कोर्ट मैरिज होगी।